नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, महाबार रोड बाड़मेर शहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें हैं महाबार रोड के पास वन विभाग की ज़मीन है। वन विभाग की ज़मीन के अंदर मंगण्यार समाज का कब्रिस्तान है। मंगण्यार समाज के कब्रिस्तान का जो जाने वाला रास्ता है, उस रास्ते पर किसी व्यक्ति ने कटीली झाड़ियाँ, कटीली तारे और मलबा डालकर उस रास्ते को बंद कर दिया। शुक्रवार को जब एक मंगण्यार समाज के व्यक्ति की मैयत हुई, तब उस रास्ते को बंद रखा, बंद पड़ा था। इसलिए करीब 3 से 4 घंटे तक मैयत रास्ते में पड़ी रखी और लोगों ने रास्ता खोलने का इंतज़ार किया। तो ये तस्वीरें महाबार रोड की मैं दिखा रहा हूँ साथियों, जो मैयत रोड के किनारे पड़ी है और लोग रास्ता खोलने का इंतज़ार कर रहे हैं। उस बंद रास्ते को देखकर मंगण्यार समाज के लोगों ने विरोध भी किया और करीब 2 घंटे तक 3 घंटे तक मैयत रास्ते के किनारे पड़ी रही। लोगों ने, जो मंगण्यार समाज के लोग थे, उन्होंने रास्ता खोला, उस मलबे को हटाया, कटीली तारों को हटाया, कटीली झाड़ियों को हटाया। फिर मंगण्यार समाज के लोगों से कुछ बात हुई है, उन्होंने क्या कहा है वो सुने आप। एक बार तस्वीरों को शेयर कर दो साथियों। वन विभाग का एरिया 1/4/1971 को बना। उस टाइम हमारे समाज के जो मौजूद लोग थे, उस जमाने के जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने 10-20 आदमियों ने मिलकर जिला कलेक्टर बाड़मेर को एप्लीकेशन दिया कि हमारा कादीबी कब्रिस्तान यहाँ बना हुआ है और वन विभाग ने चारों तरफ चार दीवारी कर दी, उसकी तारबंदी कर दी। तब उस अधिकारी ने, वन विभाग का जो उस टाइम का अधिकारी था, उसने उस पन्ने के ऊपर लिख के दिया, जो हमारे पास मौजूद है, कि ये कब्रिस्तान आपका आया हुआ है, आप इसमें दफना सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। हमारे आदमी ने कहा, साहब ये तो तारबंदी है आपका, हम जाएंगे कैसे? तो तब उन्होंने एक गेट लगाया था यहाँ, उस गेट के अंदर काफ़ी वर्षों तक वो गेट चलता रहा और हम लोग आते रहे। उस टाइम ये वन विभाग के पौधे नहीं थे, छोटे छोटे पौधे थे, वो बड़े बड़े होकर के झाड़ियाँ बन गई, बबूल बन गया। उसके बाद में इस बात को हम पिछले 20 सालों से राजस्थान सरकार से लेकर के दिल्ली सरकार तक हम इस बारे में कार्रवाई कर रहे हैं, कर चुके हैं। नतीजा यही निकला कि ये ज़मीन वन विभाग के अंदर वन रक्षित भूमि में आ गई है और इसको बाहर निकालना अब नामुमकिन है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तब हमारा यही नतीजा निकला गया कि भाई आप अपना दफना दो, आपको किसी प्रकार की कोई होगी नहीं। हमने वन विभाग के यहाँ जो वन संरक्षक है, इसको लिखित में दिया कि हमें रास्ता दिया जाए ताकि हमें जो लोग यहाँ से आराम से जा सके। मगर आज दिन तक कब्री वन विभाग के अधिकारी ने हमको 4 बार हमने एप्लीकेशन लिख दी, हमारे पास अभी तारीख अवेलेबल नहीं है, जो हमारी फाइल में है, अभी तक उस वन विभाग ने हमको लिखित में ऑर्डर नहीं दिया। हाँ, वेरबली उन्होंने कहा था कि आप रास्ता बनाओ, और उनका एक अधिकारी कर्मचारी भी आया था, हमने यहाँ रास्ता बनाया, उसमें मुरड़ी डलाई गई, उसके अंदर पत्थर डलाए गए, मगर रेत ज़्यादा होने से, बारिश होने से, पानी आने से वो सब बिखर गया। और ये पेड़ है जो, अरे भाई बनाए थे साहब, सब बनाए, और वो बिगड़ गया, ठीक है, वो सब बिगड़ गए। जब हमने ये झाड़ी काटी, तब वन विभाग के अधिकारियों ने हमारे को बना कर दिया कि आप झाड़ी नहीं काट सकते, आपके खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होगा। हमने इस बात को जिला कलेक्टर को कहा, जनाभाव अभियोग समिति में कई बार हम गए, मगर कोई भी हमारी बात को नहीं सुन रहा है। लिहाजा ये है कि आज हम लोग, जिंदे लोगों की समस्या है, मगर मरे हुए आदमी की समस्या, उसको ज़मीन चाहिए 2 गज। और ये ज़मीन आज के इस आज़ाद भारत के अंदर मिरासी समाज, जो उसका आज से नहीं कई सदियों से कब्रिस्तान है, आज से नहीं इसकी जांच कराई जाए, कम से कम सैकड़ों साल हो गए, हमारे पूर्वज, हमारी पीढ़ियाँ, हमारी 10 पीढ़ियाँ यहाँ दफनाई हुई है, और उसके बावजूद ये नई रास्ता मिल रहा है। इससे हमारे समाज को बहुत दुखी हो रही है। अब हम हमारी मैयत को दफनाएं, हम वैसे ही गमगीन हैं, और हमें जो यहाँ अगर हम इस झाड़ी को काट ले तो हमारे खिलाफ वन अधिनियम में मुकदमा दर्ज हो जाए। रास्ता हमको दिया नहीं जा रहा, जिला कलेक्टर को हमने बार बार कहा।
क्या मामला है? पूरा मामला साहब यहाँ का, मई तुम्हारी पहुंच नहीं सकती है, रास्ता है नहीं, ठीक है, और भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है, कब्जा कर लिया, देख लो पूरी बनी हुई है, ठीक है। और रही बात, ये कोई यहाँ कब्जा काबिल है नहीं, हमारी 300 रुपये बनी हुई है, ठीक है, और ना कोई रास्ता, ना कोई आने जाने का, पानी का कोई साधन नहीं, कोई साधन हमारे पास नहीं है। तो आज क्या हुआ, मैं आज मैं लेकर आया, निकले रास्ता, अभी भी आए हैं, देखा नहीं निकले रास्ता है कोई, पहले भी ऐसा था या फिर कोई रास्ता था पहले? पहली रास्ता क्या, फिर बाबू कटिंग कर रहे थे ना, अभी कटिंग आने देते हैं, धनी बाग इनकार करिएगा भाई, हमारा पेड़ काटूंगा था। मीरा जी समाज के जो नेता है ना, वो अपने आप काम करते हैं, अपने पेड़ भरते हैं। भैया तो चुप रहे।